एक्शन। ये हम हैं, ये बैंकॉक है और यहाँ हमारी पिक्चर चल रही है। यहाँ हमारी पिक्चर चल रही है। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का अनफिल्टर्ड सच दिखाया जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो पहले हम देखेंगे जब न्यूज 24 के एक डिबेट के दौरान असीम वकार ने ये कहा कि ये कौन लोग हैं जो श्री राम के नाम के साथ गंदी गालियों वाले संगीत का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहां बैठा संघी मिनिस्टर भड़क गया और कहने लगा कि दिखाओ वीडियो, अगर ऐसा है तो हम आपको दिखाएंगे वो वीडियो जिसका असीम वकार जिक्र कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जुलूस में गाली वाले वीडियो गाने बजाए जा रहे हैं। गाली वाला की भाषा रामनवमी के जुलूस में नहीं इस्तेमाल होती है। मैं संभाल के बोलिए, तीसरी बात मैं सब सुन रहा, संभाल के बोलिए। कहीं रामनवमी के जुलूस में गाली गलौज की भाषा या स्पीकर नहीं बजाए जाते हैं। आप क्या बकवास कर रहे हैं? वीडियो आपको भेज दूंगा। आप क्या बकवास कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हो रही है? चलाइए वीडियो, गाली गलौज के लाउड स्पीकर चलाए जा रहे हैं। रामनवमी के जुलूस में ये चलता है? पहले बात सुनो, मुझसे बात सुनो। अब बाकी लोग के मुंह में दही जमा हुआ, इनको कैसे ये बोल रहे हैं? अरे सुन बात मेरी, मैं तुझे तिवारी बोल रहा हूं। रामनवमी के जुलूस में गाली गलौज, बात सुन मेरी, बदतमीज कहीं का? एक सेकंड, आसिम वकार, आरोप आपने लगाया, आप मेरे कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाइए। आरोप आपने लगाया, आपके फोन में ऐसा वीडियो मौजूद है जिसमें रामनवमी में शोभा यात्रा के दौरान गाली गलौज लाउड स्पीकर से चलाई जा रही थी। आपने आरोप लगाया आसिम वकार, आपने आरोप लगाया, मैंने नहीं लगाया, मेरे पास ऐसा कोई वीडियो नहीं है ना मैंने देखा। आपने कहा आपके फोन में ऐसा वीडियो है, अगर है तो आपको दिखाना पड़ेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम रिमाइंडिंग लीग, मानव गुप्ता ने मुस्लिम लीग बनाने वाले देश में बैठ के आप ऐसी बात मजाक उड़ाएंगे? मर्यादा पर मानव गुप्ता के पास ऐसे वीडियो नहीं है, मानव गुप्ता ने नहीं देखे, आपकी पत्रकारिता बेकार है। कमाल है आसिम वकार, मैं चाहता हूँ कि आपने जो आरोप लगाया उसे आप साबित करें। भाई मेरे ऊपर क्यों जिम्मेदारी डाल रहे हैं? मैंने नहीं देखा ऐसा कोई वीडियो जिसमें रामनवमी पे शोभा यात्रा के दौरान गाली गलौज का लाउड स्पीकर से प्रसार किया जा रहा हो। मैंने नहीं देखा ऐसा कोई वीडियो, मेरे पास नहीं है। आपके पास है तो आप भेज दीजिएगा मुझे। आप ऑफलाइन भेजना चाह रहे हैं, ऑफलाइन भेज दीजिए। अगली वीडियो में हम हमारे भक्त मिस्टर कनाडा कुमार की हिपोक्रेसी यानी कि दोगलापंती देखेंगे। वही जहां एक और जब इन साहब ने राम सेतु रिलीज करनी थी तो इनके क्या विचार थे, और जब इन्होंने ओ माई गॉड रिलीज करनी थी तब इनके क्या विचार थे। ये वीडियो उन सब भक्त फैंस के मुंह पर करारा तमाचा है जिन्हें ये लगता है कि ये अपनी जेबों के अलावा किसी धर्म के सगे हो सकते हैं। कल रात मैं अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा था, आप सुनेंगे। तो जी ऐसा था कि एक तरफ वानरों की सेना थी और दूसरी तरफ थी लंका, और दोनों के बीच में महासमुद्र। अब वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल गई थी, राम सेतु का निर्माण कर सीता मैया को वापस जो लाना था। प्रभु श्री राम किनारे पर खड़े सब कुछ देख रहे थे, तभी उनकी नजर पड़ी एक गिलहरी पर। गिलहरी जो थी वो पानी में जाती, फिर किनारे पर आती, रेत में लौट जाती थी, फिर राम सेतु के पत्थरों की ओर फिर भागती, फिर से पानी में जाती, फिर रेत में, फिर पत्थरों। राम जी को आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है। वो गिलहरी के पास गए, पूछा तुम गिलहरी कर क्या रही हो? गिलहरी ने जवाब दिया कि मैं अपने शरीर को गीला करती हूँ, उस पर रेत लपेटती हूँ और पत्थरों के बीच की जो दरारें हैं उसको भरती हूँ। राम सेतु के निर्माण में मैं भी अपना छोटा सा योगदान दे रही हूँ। आज बारी हमारी, अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक
भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने। मैं खुद करता हूं शुरुआत, मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस भव्य मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन और संदेश पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। जय श्री राम। Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written ki God says mere ko doodh dena and Hanuman saying mere ko tel dal? I don't understand why are people wasting so much? At the same time apan he bolto hai ki farmers they are dying because of less food, this thing, money. हे सगळं तुम्ही त्यांना द्या ना, मला काय कळतच नाही की म्हणजे आय गो टू टेम्पल्स अँड थिंग्स लाईक दॅट, देअर सो मच ऑफ वेस्ट। नारळ फोडून 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 काय काय होणार आहे त्याच्यानं? तो व्हिच गॉड हॅज सेड की मेरे ऊपर नारळ फोडो? सो दिस इज ऑल वी नीड टू डेव्हलप इज दॅट माइंड सेट की स्टॉप डुईंग ऑल दीज थिंग्स अँड लेट्स थिंक इन अ प्रॅक्टिकल वे। I think the best way to get God's attention is to do good. And that is nothing else. And not even to go to temples and be good. Tumhi ghari basun basun pan aai vadlancha payacha javad basla tari sudha to temple tikdech aahe. He kahich mala te concept is nahi karat. Manun I felt like making that film. So और अगले क्लिप में हम देखेंगे जब इंडिया टीवी की एंकर मीनाक्षी ने डिबेट में ज्यादा कमाई के लिए चाटुकारिता बढ़ानी चाही तो कैसे असीम वकार ने मोहतरमा को दांतों तले चने चबवा दिए और हमारे ओए हुए प्रवक्ता गो मेरा मतलब है संबित पात्रा भी देखते रह गए। उससे दो है इसलिए मुझे ऑटोमेटिकली उन्हें ज्यादा टाइम देना ही होगा, आप ये समझते हैं मेरी मजबूरी भी। अब असीम वकार जी देखिए मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा, लेकिन अगर मैं असीम वकार जी का नाम डॉक्टर आशुतोष वर्मा कर दूं और आशुतोष वर्मा जी का नाम असीम वकार कर दूं तो आप नाराज होंगे? अभी मजा आएगा ना, आपको ये बात पसंद नहीं आएगी। मैं ठीक कह रही हूँ या नहीं? मसला ये है कि अगर मेरा नाम असीम वकार की जगह आप नाराज होंगे इस बात से और आशुतोष वर्मा का नाम असीम वकार कर दें, आपको ये बात पसंद आएगी? क्या ये पहचान का संकट होगा? मैडम पूरा सवाल पूछ लिए फिर बोलूं? नहीं मैं, ये भगवान क्या जुल्म है, इसलिए आपसे पूछ रही हूं, पहले मेरे सवाल का जवाब दें फिर आगे आप बात करिएगा। पहचान का संकट खड़ा होगा ना? बोलती रहिए। नहीं बोलती रहिए प्लीज, अच्छा लग रहा है। नहीं बोलती रहिए, अच्छा लग रहा है। असीम बका बोल बोल अजी, जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। जवाब बताइएगा तब बोलूंगा। बोलिए, लेकिन सुनिएगा बिल्कुल शांति से। मतलब अब मुझे सवाल कैसे पूछना है वो भी आप मुझे सिखाएंगे असीम बकार जी? चलिए आप बोलिए, अब आप ही बोलिएगा, अब कोई सवाल नहीं आएगा, आप ही बोलिएगा। आप लोग इतना नहीं नहीं आप लोग घर से इरिटेट होके आते हैं या ऑफिस में इतना इरिटेट हो जाते हैं? मुझे गजब बेइज्जती है। चेहरा तो ऐसा नहीं दिखता असीम बकार जी, आप देख लीजिएगा। बोलने ही नहीं देते, वजह क्या है? चलिए आप अपने जवाब पूरा करें। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वजह क्या है? पूछने की आदत क्यों बात नहीं कर? अब देखिए कितना टाइम निकाल दिया आपने, आप बोलने नहीं दे रही हैं। आप हम लोग क्या पहले क्लास का बच्चा समझती हैं? बोलिए ना, मैं चुप बैठी हूँ। बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। जवाब नहीं है ना आपके पास? आम और इमली करिए, दोनों का नाम बदल दीजिए। लेकिन बदलने के बाद हम दोनों के परिवारों पास रोजगार ना बचे, हमारे परिवारों में फाका होने लगे, भूख, बच्चों के पास फीस ना हो, तब प्रॉब्लम खड़ी होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, लेकिन अगर आप रोजगार दे रहे हैं, अभी मैं समित पात्रा जी से कह रहा हूं, अब नोट कीजिएगा बाप, जब भारत का नाम भारतवर्ष था उस वक्त भी हमारे समुद्र का नाम भारत महासागर कभी नहीं रहा। अब इसको नोट कीजिए, इतिहास की बात बता रहा हूं आपको। जब भारत वर्षभ था तब भी भारत महासागर नहीं था, जब भारत वर्ष हुआ तब भी भारत महासागर नहीं था, जब भारत हुआ तब भी समुद्र का नाम भारत महासागर नहीं था, हिंद महासागर कहते थे। फिर हिंद से हिंदुस्तान हो गया, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने इंडिया कर दिया,
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपत्ति नहीं है अगर शहरों के नाम बदले जा रहे हैं? अफीम बकार जी, तो नाम बदले देने चाहिए। मैडम बात सुनिए, अब आपने इतिहास बताया ना, तो मैं इसलिए आपको इतिहास में ले जा रही हूँ। आप नाम पे ही बात कर लीजिए। मैं इसलिए तो नाम पे ही बात कर रही हूँ, आपने भारत का इतिहास बताया तो इसलिए मैं भारत के और पुराने प्राचीन इतिहास में जा रही हूँ। लगता है तुम घू खा के ही मानोगे। और यही सरकार उत्तर प्रदेश की कह रही है संबित पात्रा जी। अब आप या तो हिंदुस्तान को भारत कर ले, या फिर फैजाबाद का नाम बदले, मुजफ्फरनगर का नाम बदले। एक लाइन और, अभी संबित पात्रा जी के लिए और थोड़ा सा, नहीं नहीं पात्रा जी के लिए थोड़ा नाश्ता और है मेरे पास। अच्छा जी, चलिए आज आपको बोलने का बहुत मन है, इसलिए मैं आप ही के पास आती हूँ अगले सवाल के साथ। एक मिनट असीम बकाजी, फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर क्यों नहीं होना चाहिए? पेट्रोल रोज बिकता है। मैं आ रही हूँ मैडम। अरे मैडम बोले, मैं पहली बार मैं देख रहा हूँ कि समाचार चैनल के जो पत्रकार हैं वो सरकार से सवाल ही नहीं पूछते। मत होइए असीम बकाजी, समस्या ये है। एक मिनट, एक मिनट असीम बकाजी, इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। आप विचलित हो रहे हैं, समस्या ये है, आप विचलित हो रहे हैं जब मैं आपसे आपको इतिहास याद दिला रही हूँ। असीम बकार जी, आप विचलित हो जाते हैं जब मैं आपको इतना सिर पैर की बात करने लगे। देखिए शांत हो जाइए, इससे मुझे सलाम भटका है, मुझे सलाम भटका। खत्म, बाय बाय। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।